नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। प्रधानमंत्री मोदी का कल कुशीनगर का दौरा है और कुशीनगर दौरे के बाद शाम तकरीबन 5:40 पर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां योगी सरकार के सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सभी मंत्रियों को गुड गवर्नेंस पर मंत्र देंगे। तकरीबन 2 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला चलेगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल होंगे, जिसके लिए मंत्रियों ने भी अपने विभाग को लेकर तैयारी की हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर मुख्यमंत्री आवास को झालरों से सजाया गया है और इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। कल शाम को वो सबसे पहले कुशीनगर जाएंगे, जहां बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर महात्मा गांधी की जो परिनिर्वाण स्थली है वहां जाएंगे। वहां तकरीबन 1 घंटे तक रहेंगे और उसके बाद शाम 5:40 पर लखनऊ का जो अमौसी एयरपोर्ट है वहां पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से सीधे ये जो मुख्यमंत्री आवास है पांच कालिदास यहां पहुंचेंगे। यहां 6 बजे मुख्यमंत्री आ जाएंगे। आप देखिए किस तरह से लाइटिंग की गई है। योगी सरकार के मंत्रियों को मंत्र देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6:45 से शाम को जब उनकी बैठक शुरू होगी तो वो तकरीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड गवर्नेंस का जो मंत्र है वो योगी 2 के सभी मंत्रियों को देंगे। इसके अलावा इस बैठक में अन्य चीज़ों को लेकर भी चर्चा होगी कि कैसे यूपी को आगे ले जाया जाए। जो सरकार का विजन है, 100 दिन का जो एजेंडा है, इसके लिए तमाम मंत्री भी तैयारी में जुटे हैं, तो उसका भी हम कहें तो एक तरीके से असर उत्तर प्रदेश के विकास की जो योजनाएं बन रही हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। उधर प्रधानमंत्री मोदी के कल शाम लखनऊ दौरे को लेकर प्रधानमंत्री की फ्लीट का रिहर्सल किया गया। सभी चीजों को बारीकियों से जांचा गया कि कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी ना रह जाए। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में करीब 4 घंटे तक कल रहने वाले हैं। तो आपको बता दें, मोदी सोमवार को लखनऊ आएंगे तो वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और ये देखिए जो पीएम का जो काफिला होगा किस तरीके से वो यहाँ पहुँचेगा। 5KD यानी जो मुख्यमंत्री आवास है उसका रिहर्सल हो रहा है और आप देखिए ये वही गाड़ियाँ हैं जो कल प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ मुख्यमंत्री आवास पहुँचेंगे और पहली जो गाड़ी है इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे होंगे और ये रिहर्सल फ्लीट आप देख रहे हैं ये सीधे एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँची है, मुख्यमंत्री आवास तक आ रही है और रिहर्सल किया जा रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री आएँ तो रास्ते में कहीं पर कोई भी दिक्कत, कहीं पर कोई भी समस्या, कठिनाई ना होने पाए। इसीलिए आप देखिए ये जो पीएम का कॉन्वॉय होता है, पीएम का जो काफिला होता है उतनी ही गाड़ियां हैं जितनी गाड़ियां पीएम के काफिले में रहती हैं। सारी गाड़ियां एयरपोर्ट से ये पांच कालिदास मार्ग जो है यहां तक आई हैं। ये रिहर्सल फ्लीट अब मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हुई है और सोमवार को भी तकरीबन इसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फ्लीट है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी। कैमरा सभी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए कुशीनगर आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री इस दिन कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे। लेकिन कुशीनगर से पहले प्रधानमंत्री मोदी नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे। इसके बाद कुशीनगर आकर भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूजा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जो कार्यक्रम है वो भी समझिए, शाम 4:20 पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचेंगे। 4:30 बजे मंदिर में रहकर पूजा अर्चना वो करेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए वो रवाना होंगे।
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर आ रहे हैं। मैं इस वक्त वहीं पे मौजूद हूं और आप पीछे जो मंदिर देख रहे हैं वही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। यहां पे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां काफी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री का केवल यहां पे 15 मिनट का कार्यक्रम है जहां पे वो आएंगे, भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उस पर वो चादर चढ़ाएंगे और इसके बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले किस तरीके से तैयारी हो रही है आप देखिए कि सामने टेंट लग रहा है, प्रधानमंत्री उधर भी जाकर के वहां पे बैठेंगे और कुछ लोगों से वहां पे मुलाकात भी करेंगे, खासतौर से जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो इस मंदिर में पुजारी हैं जिनको भंते कहा जाता है उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे और यहां पे अगर बात करें तो कुछ विशिष्ट अतिथि भी रहेंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री कल अगर बात करें तो सबसे पहले वो दिल्ली से 8 बजे के तकरीबन उड़ान भरेंगे और 9:20 पर वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जहां से फिर आगे अगर बात करें तो 9:25 पर हेलीकॉप्टर से, वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से वो लुम्बिनी नेपाल जाएंगे और फिर उसके बाद शाम 4 बजे करीब वापस कुशीनगर आएंगे और 4:20 पर वो इस मंदिर पर आएंगे और यहां पे भगवान बुद्ध का पूजा अर्चन करेंगे और इसके बाद फिर तकरीबन 4:35 पर शाम को यहां से वो वापस रवाना हो जाएंगे और फिर तकरीबन 4:50 पर वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री के कल सारा दिन अगर देखिए तो पूरी तरीके से भगवान बुद्ध को समर्पित है, जहां वो लुम्बिनी से लेकर के कुशीनगर तक भगवान बुद्ध का दर्शन पूजन करेंगे और साथ में तमाम सारे लोगों से मुलाकात भी करेंगे। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कुशीनगर। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मंदिर परिसर को यूपी पुलिस ने अपनी निगरानी में ले रखा है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे में कोई अव्यवस्था ना हो इसके मद्देनजर अधिकारी लगातार मंदिर परिसर का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर आ रहे हैं और यहां पे अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। एसपीजी तमाम सारे जगहों का मुआयना कर चुकी है और यहां पे पूरी तरीके से अगर आप देखिए तो जो राज्य की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो अभी पे यहां पे चप्पे चप्पे पर तैनात है। चूंकि कल प्रधानमंत्री का 4:30 के करीब यहां पे आगमन होना है, उससे पहले तमाम सारे जो सुरक्षा अधिकारी है वो यहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और तमाम सारी जो चीजें हैं उसकी बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। एसपीजी भी यहां पे तमाम सारी चीजों का बारीकी से मुआयना कर चुकी है। भारी संख्या में यहां पे फोर्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तमाम सारी तैयारियां तेज हैं। सुरक्षा अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक ना हो इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सजग है और एसपीजी भी पूरी तरीके से अलर्ट है। वो भी इस पूरे इलाके को खासतौर से देख चुकी है और इस इलाके का मुआयना कर चुकी है। कल प्रधानमंत्री के आगमन से पहले इस तमाम सारे परिसर को खाली करा लिया जाएगा और यहां पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी जाएगी, जिससे कि जब प्रधानमंत्री आए तो किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था ना होने पाए। विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कुशीनगर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर कल फिर होगा सर्वे। कल सुबह 8 बजे सर्वे शुरू होगा। कल सर्वे के दौरान मलबा हटाया जाएगा, जो एक कमरा है उसमें मलबा बताया जा रहा है। मलबा मिलने के कारण आज सर्वे उस कमरे में नहीं हो पाया है। अब कल भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। करीब 80% परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। कल सर्वे पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 17 मई से पहले सर्वे को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। पिछले 2 दिन से आज का दिन और कल का दिन सर्वे में रहा, जहां करीब 3 से 3.5 घंटे दोनों दिन सर्वे चला। अब कल फिर 2 घंटे के करीब सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू होकर करीब करीब 10 बजे तक चलेगा। वहीं ज्ञानवापी मामले पर सियासत भी उफान पर है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि जो फैसला कोर्ट देगा उसे सब लोग मानेंगे। हालांकि उन्होंने विरोधियों पर तल्ख अंदाज में तंज भी कसा। देखिए, जो मामला है सब कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। जो भी कोर्ट इसमें फैसला लेगा कानून के हिसाब से, चाहे लोकल अदालत ले या उससे हाई अदालत ले या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले, जो कानून के हिसाब से सही होगा उसी को सब लोग मानेंगे। लगातार सर्वे को लेकर कोई विवाद चल रहा है कि लोग वहाँ पे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पहले बाबरी मस्जिद चली गई, अब हम ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। देखिए, मैं इस विवाद में पढ़ ही नहीं रहा हूँ। जब कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिलता तो उसके बाद पूछिएगा। देखिए, देश का इस वक्त ऐसा लगता है कि एक शक्ति ऐसी काम कर रही है जो हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। अब चाहे वो सियासी हो या सियासी हो सकता ना भी हो, कोई और फैक्टर हो उनके साथ, मेरी तो सभी अधिकारियों से और प्रशासन से मेरा तो यही कहना है
कि अब इनकी जड़ में जाएं कि आखिर ये शक्तियां कहां से गवर्न हो रही हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं। वहीं एटा में भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से जब ज्ञानवापी मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया और कहा कि कांग्रेस और ओबीसी जैसे विपक्ष के लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करना चाहते हैं। विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के मरोवर को तोड़ने के लिए, इस देश की अस्मिता को लूटने के लिए हज़ारों मठ मंदिरों को और जो हिंदुओं के इस देश के जो मूल निवासी हैं उनकी जो भावनाएं हैं उनको कुचलने के लिए पूजा स्थलों को ध्वस्त किया। तो आज यदि हिंदू समाज के लोग भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और ज्ञान बापी को हिंदुओं को सौंपने की बात कर रहे हैं और इसके प्रमाण हैं, अकाट्य प्रमाण हैं। और अब खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां केसरगंज से भाजपा विधायक बृजभूषण शरण सिंह ने सुल्तानपुर जिले के लंबुआ के सर्वोदय इंटर कॉलेज के मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राज ठाकरे मुझे संजोग से एयरपोर्ट दिल्ली या महाराष्ट्र में मिल जाए तो मैं उनसे दो दो हाथ कर लूंगा। और उन्होंने फिर से राज ठाकरे को किसी भी कीमत पर अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देने की बात को दोहराया। क्या कोई ऐसा संजोग बनता है कि राज ठाकरे मुझे कहीं मिल जाता है, चाहे एयरपोर्ट पर मिल जाता, चाहे दिल्ली में मिल जाता और चाहे महाराष्ट्र में मिल जाता, अगर मिल जाता तो मैं दो दो हाथ जरूर। दरअसल भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लगातार मोर्चा खोल रखा है और खुली चुनौती दी है। अयोध्या पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अयोध्या ही नहीं कई प्रदेश ऐसे हैं जहां वो बिना माफी मांगे कदम नहीं रख सकते हैं। तो आपको बता दें, लगातार भाजपा सांसद की जो प्रतिज्ञा है वो सामने आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि राज ठाकरे को वो अयोध्या नहीं आने देंगे। 5 जून को कार्यक्रम है राज ठाकरे का आने का, लेकिन लगातार इसको लेकर बृजभूषण की ओर से बयान दिया जा रहा है कि राज ठाकरे को वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए खेद नहीं व्यक्त करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम उनको अयोध्या में नहीं आने देंगे। तो आपने सुना उनका कहना है, जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक हम अयोध्या नहीं आने देंगे। और ये बात कई बार वो दोहरा चुके हैं। इसके साथ साथ साधु संतों का हाल ही में समर्थन भी मांगा गया और इस दौरान इकबाल अंसारी का भी साथ मिला था। उधर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राज ठाकरे के समर्थन में बयान दिया। चंपत राय ने कहा कि मैंने आज तक किसी का अपमान नहीं किया है, भगवान के दरबार में सबका स्वागत है, ठाकुर जी किसी को मना नहीं करते हैं। तो आपको बता दें, राज ठाकरे के समर्थन में चंपत राय अब उतर आए हैं। उनका कहना है कि भगवान के दर पर हर किसी का स्वागत है, भगवान के दरबार में किसी को भी आने के लिए मनाही नहीं है। भगवान के दरबार में सबका स्वागत ही होता है, ठाकुर किसी को मना नहीं करते। वही राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिन के शिविर का आज समापन हो गया। चिंतन शिविर में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर में फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस यात्रा में शामिल हो। यात्रा में सभी बूढ़े और जवान शामिल होंगे। यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा जिले स्तर पर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन में दोपहर पर राकेश टिकैत का जवाब भी सामने आ गया है। इशारों में राकेश टिकैत ने संगठन में फूट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के इशारे पर यह काम हो रहा है।
अब 18 मई को करनाल में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला होगा। क्या कहूँ, हमने बनाने की कोशिश करी भाई उनको, मैं गया था लखनऊ किला ईगा बठिया, लेकिन महंगे वे मान तो गए थे, घेर भी चले गए, ज्यादा परेशान था। किसके इशारे पे नया संगठन बना है, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? हम किसी का नाम नहीं, सरकार अपने उसमें कामयाब हो रही कुछ कुछ, ये वैसे नहीं हुए तो संगठन को तोड़ दो, उनसे बयानबाजी करवा दो, सरकार के सारे पे संगठन। हाँ, और किसके सारे पे संगठन भी लग रहे हैं। दरअसल आज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ हो गए और अब ये किसान यूनियन दो धड़ों में बट गया है। राकेश टिकैत वाले गुट से बीकेयू के कई नेता अलग हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले नया संगठन काम करेगा। संगठन में टिकैत बंधुओं से नाराजगी के बाद ये फैसला लिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान राकेश टिकैत की ओर से कई राजनीतिक बयानों की वजह से संगठन में दो फाड़ की बात कही जा रही है। अब राजेश सिंह चौहान को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने टिकैत बंधुओं पर विधानसभा चुनाव में एक दल का प्रचार करने का आरोप लगाया है। ये बताइए, जब भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक है, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 49-81 है, उसी के आप अध्यक्ष बने हैं, तो वो अध्यक्ष कैसे हो? नहीं, उसका कहाँ अध्यक्ष हूँ, कहाँ आप दिखाइए कहाँ है 49-81। हमारा 10-33-9। आपने नया रजिस्ट्रेशन? मेरा नया रजिस्ट्रेशन है भारतीय किसान अराजनैतिक का। मैंने कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे उनके बीच मतभेद थे, इसलिए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे किसानों की विचारधारा जो महात्मा टिकैत से ओतप्रोत है, अराजनैतिक रहते हुए किसानों की समस्याओं को उठाना, आपने 13 महीने आंदोलन किया और उस आंदोलन को आप जीते, सरकार ने आपकी बात को सुनी और वापस किया। आदरणीय राकेश टिकैत जी ने एक दल विशेष के पक्ष में प्रचार भी किया और इस तरह महात्मा टिकैत का सिद्धांत है कि अराजनैतिक हैं, किसी मंच में राजनीतिक दल के लोगों के मंच शेयर नहीं करेंगे, राजनीतिक दल के लोगों के पास बुलाएंगे नहीं और किसी का चुनाव प्रचार करेंगे नहीं, तमाम चीज़ें अराजनैतिक सिस्टम में थी। महात्मा टिकैत के सिद्धांतों को उन्होंने फॉलो नहीं किया और हम लोग महात्मा टिकैत के फॉलोअर हैं। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले की कल अंतिम सुनवाई करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा समेत 4 लोग इस मामले में आरोपी हैं। इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जमानत पर चल रहे हैं। बता दें कि 8 जुलाई 2000 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र के तिकुनिया के ही रहने वाले प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप अजय मिश्रा चेनी पर लगा था और अब इस पूरे मामले में कल अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। फिरोजाबाद के सदर बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बिजली के तारों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी है तारों में। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दे दी गई, लेकिन उससे पहले ही मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने आग पर काबू पा लिया। पूरा मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के बर्तन वाली गली सदर बाजार का है, जहां बिजली के तारों में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही बिजली के तार जलने लगे, जिससे वहां मौजूद दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक आती तब तक लोगों ने खुद कोशिश करके आग को बुझा दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब बात खाकी के रंग लाल की। महिला की मौत पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ नगर पुलिस पर एक महिला की मौत का आरोप लगा है कि बीती रात एक मुजरिम को पकड़ने गई पुलिस ने एक महिला को गोली मार दी, जिसमें 40 साल की रोशनी की जान चली गई। लेकिन पुलिस की थ्योरी, हत्या की इस थ्योरी को हादसे का रंग दे रही है। कैसे, ये रिपोर्ट। सिद्धार्थ नगर की इस तस्वीर ने खाकी को दागदार कर दिया है, क्योंकि स्ट्रेचर पर पड़ी इस महिला की मौत का इल्जाम उसी पुलिस पर है जो 24 घंटे तत्पर आपकी सेवा में रहने का दावा करती है।
लेकिन मृतक के बेटे का आरोप है कि उसकी मां रोशनी की मौत पुलिस की गोली से हुई है। मार के उसके बाद मेरा भाई घर के अंदर था, उसको बुलाए तो अम्मी मेरी बोलती मत ले जाओ उसको, मत ले जाओ इसको, मतलब क्या किया ये, तो बोलते मतलब लेके उसको हिसको वहाँ लेके, तो मेरी अम्मी मतलब मेरे भाई के हाथ में ऐसे मतलब पकड़ लिया, वो लोग बोलते हट जाने को, वो मार देंगे गोली मार देंगे, तो मेरी अम्मी बोलती मैं नहीं हटूंगी, तो बोले मेरी अम्मी को वो मार दी गोली मार के भग गया। दरअसल ये पूरी घटना शनिवार रात 10 बजे की बताई जा रही है। मृतक के परिजनों की माने तो रात 10 बजे एसओजी की टीम मृतक के बेटे अब्दुल रहमान को उठाने आई थी, लेकिन तभी रोशनी पुलिस के सामने आ गई, जिसने अपने बेटे अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी का विरोध किया और तभी एक गोली चली और रोशनी जमीन पर गिर गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रोशनी की मौत हो गई। ये कैसे क्या हुआ, घटना कैसे हुई, किसने गोली मारी, कैसे क्या हुआ? एसओजी आ रहे मेरे गाँव में घुसे थे, 15 लोग थे गाँव के, मेरे घर के अंदर आए थे, टार्च मार रहे थे उन लोग को, जैसे हम लोग चोर दिखा दे रहे थे टार्च, उन लोग मेरे भाई को पकड़ के लेके गए, तो मेरी मम्मी उसको पकड़ लिया, पकड़ के बोल रही हैं इसको मल लेके जाओ मेरा बेटा है, तो ये वो लोग बोलते हैं कि हट जा अभी गोली मार देंगे, तो उन लोग गोली मेरी मम्मी को मार दी, उन लोगों को मेरे भाई को अभी आधा घंटा हुआ है उठा के लेके गए। हालांकि पुलिस की थ्योरी मृतक के परिजनों की थ्योरी से एकदम उलट है। पुलिस की माने तो सदर थाने की पुलिस कोडरा ग्रांड के इस्लाम नगर गांव में गोकशी के एक मामले में दबिश देने गई थी। इस बीच दबिश देने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने गोलबंद होकर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद बचाव में एक गोली महिला को लग गई, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सिद्धार्थ नगर के रोशनजोत और कोडरा ग्रांड के इस्लाम नगर में गोकसी की शिकायत पर थाना सिद्धार्थ नगर की पुलिस आज दबिश देने गई थी, और वहां पे जब दबिश देने गई तो गांव वालों द्वारा जो है पुलिस टीम को घेर लिया गया और उस पत्थरबाजी की गई तथा फायरिंग की गई। जो प्राथमिक सूचना उसके अनुसार एक महिला को गोली लगी, जिसकी यहां पे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस सच बोल रही है या फिर मृतक का परिवार या फिर दोनों ही कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि 40 साल की रोशनी की मौत कैसे हुई इसका सच कहीं ना कहीं इसी के बीच छिपा हुआ है। हालांकि पुलिस हर बिंदु से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ रस्म अदाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर फटी जींस को लेकर बयान दिया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वे अभी भी अपने इस बयान को लेकर गर्व महसूस करते हैं और लाखों लोगों ने भी उनके इस बयान को स्वीकारा है। दरअसल श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित स्कॉन के एक धार्मिक कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां जनता को संबोधित करते हुए तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर फटी जींस को लेकर अपनी राय रखी। मैं जो फटी जींस, और मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ, और आज भी मैं पूरी तरह एक ऐसा मन में एक खुशी कि उसको लेकर के अधिकतम न जाने लाखों में लोगों ने उसको सुना है, और जब मुझे ट्विटर फेसबुक में हमने कहा कि पहले हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी जींस पहनते थे, आर्मी वाली जींस होती थी, लेकिन कहीं घुटना फट गया तो हम टैग टल्ला लगाते थे, क्योंकि गुरुजी का डर होता था, एक अनुशासन संस्कार संस्कृति ये सब था। लेकिन आज क्या है, आज तो यदि घुटना फटा भी नहीं है तो घर में आकर उस पर कैंची नौजवान चला लेता है, और मैंने यही कहा कि ये कहाँ संस्कृति ले जा रही है। तो जींस का विरोध नहीं है, वो फटी जींस का, आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि इससे आज का नौजवान
और पूरा बदन ढकना, ये हमारी संस्कृति में है। फटा कपड़ा पहना तो हमारी संस्कृति का जोड़ है ही नहीं।